तो सोलर प्लांट से रिलेटेड पांच हिडन कॉस्ट जो आपको कोई भी इंस्टॉलर या इक्विपमेंट रिटेलर कभी नहीं बताएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि दैट नोबडी वांट्स टू सेव द प्लैनेट, एवरीबडी इज जस्ट डूइंग प्योर बिजनेस इन द नेम ऑफ सोलर एनर्जी। तो सबसे पहली हिडन कॉस्ट जो आपको हिट करती है एज अ सोलर प्लांट ओनर वो है सोलर का स्पेयर मैनेजमेंट या टेक्निकल फॉल्ट का आ जाना, मॉड्यूल्स का डैमेज हो जाना, इन्वर्टर में फॉल्ट आ जाना, केबल में किसी तरीके का फॉल्ट आ जाना, या ग्रिड साइड से आने वाली ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज कंडीशन की वजह से आपके इक्विपमेंट का ट्रिप हो जाना, ये सब कुछ एक हिडन कॉस्ट में आता है गाइस। सेकंड हिडन कॉस्ट वो है आपके सोलर प्लांट का मेंटेनेंस या हाउसकीपिंग कॉस्ट। देखिए, अगर आपको अपने सोलर प्लांट पे की गई इन्वेस्टमेंट का पेबैक जल्दी से जल्दी रिकवर करना है तो मेंटेनेंस तो करना ही होगा, वो भी हर महीने लगातार बिना रुके। नो मेंटेनेंस मींस लेस जनरेशन, लेस जनरेशन कैन आल्सो लीड टू ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मींस टोटल जनरेशन लॉस, दैट टू इन सनशाइन आवर, मतलब आपका पे बैक रिकवरी पीरियड और पीछे चला गया। आफ्टर ऑल सोलर प्लांट से होने वाला जनरेशन ही तो आपका प्रॉफिट है। थर्ड हिडन कॉस्ट, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन कॉस्ट। तो अगर आप सोलर प्लांट की मॉनिटरिंग से फेमिलियर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आजकल इंडियन मार्केट में एसेट मेंटेनेंस के नाम पे हजारों कंपनियां हैं। इनका काम बहुत सिंपल है, आपके सोलर पावर प्लांट की रिमोट मॉनिटरिंग करना, फॉल्ट आने पे आपको या आपकी ओएनएम टीम को इन्फॉर्म करना, इन रिटर्न फॉर दिस सर्विस मंथली आपको चार्ज करना। बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू स्ट्रॉन्गली सजेस्ट, अगर आपका सोलर प्लांट बड़ा है तो उसका पेबैक टाइम भी अच्छा खासा लंबा होगा, तो उस नजरिए से अगर आप देखो प्लांट का अप टाइम मेंटेन करना प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू रिकवर योर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 24/7 AI बेस्ड क्लाउड मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए, सो इट विल बी अ वेरी गुड मूव, बट अगेन इट कम्स विद अ कॉस्ट। कंडीशन में द बेस्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन वुड बी मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन कॉस्ट, आप अपने ONM वेंडर के स्कोप में डाल दो। सिंपल, मतलब इट इज ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव टू चूज अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइडर व्हेन इट कम्स टू सोलर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। फोर्थ हिडन कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डोमेस्टिक सोलर प्लांट ओनर्स, वो है बैटरी मेंटेनेंस का कॉस्ट। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम में डील कर रहे हैं तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी बैटरीज एंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बिकॉज रिप्लेसिंग अ बैटरी इज अ ह्यूज कॉस्ट। मोस्टली एक ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैटरी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होती है, तो बैटरी एक पुअर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से जल्दी डिग्रेड होने लगती है, सो इट्स अ हिडन कॉस्ट विच नोबडी टेल्स यू। फिफ्थ एंड लास्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट इज अ मस्ट। खुदा ना खास्ता आंधी तूफान के चलते आपका सोलर प्लांट उड़ जाए या किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से उसमें आग लग जाए, तो उस कंडीशन में अगर आपने अपने सोलर प्लांट को इंश्योर्ड कर रखा होगा तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज़ यू नेवर नो, विद लो कॉस्ट कम्स लोअर क्वालिटी मटेरियल एंड इम्प्रॉपर डिजाइन, अल्टीमेटली एसेट लॉस। इन सभी पॉइंट्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है अपने मल्टीपल वीडियोस में गाइस, तो अगर आपको किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लास्ट में वीडियो की प्लेलिस्ट में दी गई मल्टीपल वीडियोस को देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर आप उससे सेटिस्फाइड ना हो तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ओवर लिंक्डइन और वहां पे आप अपनी इंक्वायरी फ्लोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे।